देखो तू तू मैं बात बात में बढ़ जाती है इनकी तू तू मैं रोज रोज होती है घर में जली कटी सी बातें इन मतलब के हो जाती हैं बातों की बरसातें तू 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 मैं कड़वी खट्टी मीठी तू तू मैं दुनिया भर की सास बहू में होती तू तू मैं तू तू मैं तू तू मैं तू तू मैं एक्शन। कहाँ गया बाबा? यही तो रखा था मैंने। सासू बच्चाई रख दे बाबा रख दे। अरे बहू, कल जब मैं मंदिर गई थी तेरी माँ आई थी क्या यहाँ पर? नहीं तो क्यों? मेरा सोने का हार नहीं मिल रहा है। सासू माँ, आप मेरी माँ पर डायरेक्टली चोरी का इल्जाम लगा रही है। मिल गया। अरे तेरी माँ पर थोड़े इल्जाम लगा रही हूँ मैं। मुझे तो उनके ड्राइवर पर शक हो गया था, कैसे चोरों जैसी शक्ल है उसकी। अब किसी के चेहरे पर तो नहीं ना लिखा होता है कि वो चोर है। क्यों, तेरे चेहरे पर तो साफ साफ लिखा है। क्या चुराया मैंने? मेरा दिल, मेरा दिमाग, मेरा सुख, मेरा चैन, मेरा आराम, मेरे रातों की नींद, यहाँ तक कि तू खाना भी चुरा कर खा जाती है मेरा। अब ऐसे टॉर्चर करने वाली सास बहू को भूखा रखेगी तो बहू चुराएगी नहीं क्या? तो मुझे क्यों कहता है? ससुमा, मैं डाइटिंग कर रही हूँ, मुझे खाना मत देना। आप कब से मेरी हर छोटी मोटी बात को इतना सीरियसली लेने लगी? मैं मतलब की हर बात को सीरियसली लेती हूँ, मुझे लेती सीरियसली। अच्छा, आप सीरियस होके तो दिखाइए, मैं फौरन आपके सभी रिश्तेदारों को तार भेज दूंगी। कम सून सासुबा सीरियस। शट अप बहू, नींबू का कच्चा अचार खिलाऊंगी मैं तुझे छिलके समय। अभी परसों ही मैंने तुझे बड़ी सीरियसली कहा था कि शहर में बहुत चोरियां होने लगी है बहू, तू तुरंत पद्मा मौसी के यहाँ फोन करके ये कह दे कि वो हमारे लिए कोई अच्छा सा गोरखा भेज दे। लेकिन तूने नहीं ली मेरी बात सीरियसली। तुझे पता है बहू, आज तो मेरा सोने का हार बच गया, लेकिन अगर कोई रियल चोर आ जाता तो क्या करते हम दोनों? और फिर बहू, दरवाजे पर अगर गोरखा खड़ा है ना तो अपने आप एक सिक्योरिटी आ जाती है और एक भरोसा होता है कि कोई भी चोर अंदर नहीं आ सकता। और फिर बहू, स्टेटस भी तो बढ़ता है ना? तो उठ जाके तुरंत पद्मा मौसी को फोन करके आ। मैं फोन नहीं करूंगी। क्यों? क्योंकि मैंने ऑलरेडी उनको फोन किया है। सीरियसली सासू माँ, उनका आज सुबह ही फोन आया था कि उनका गोरखा हमारे लिए नया गोरखा भेज रहा है आज ही। सत्यानाश हो तेरा, अब क्या गलत किया मैंने? अरे अभी तक मुझे ये बताया क्यों नहीं कि गोरखा आने वाला है हमारे यहाँ? तुझे पता है गोरखे के आने की कितनी तैयारियां करनी पड़ती है? अब वो गोरखा क्या सोचेगा? मुझे तो लगता है सारे गोरखे मुझ पर हंस पड़ेंगे, मेरा मजाक उड़ाएंगे। मैं अभी जाकर गोरखे के आने की तैयारी करती हूँ। गोरखे के आने की तैयारी? ये जगह ठीक रहेगी मेन गेट के पास हमारे वॉचमैन के लिए। इश, यहाँ पे तो बहुत ही धूप आ रही है, काला हो जाएगा। अरे लेकिन धूप तो बाद में यही आ जाएगी तो और काला हो जाएगा। और ये रात भर ट्रैफिक की आवाज, बेचारा सो भी नहीं पाएगा, क्या करे? हाँ, घर के दरवाजे के पास रखे। करेक्ट, यस, यहाँ ठीक रहेगा। आह, नहीं ये तो बिल्कुल छुपा छुपा लगता है। यहाँ से तो चोर को भी पता नहीं चलेगा कि हमने वॉचमैन रखा है, और फिर मोहल्ले वालों को भी तो नहीं पता चलेगा, फिर क्या फायदा? आफ्टर ऑल स्टेटस का भी तो ख्याल रखना है। फिर कहाँ रखूँ? यहाँ ठीक रहेगा। करेक्ट, आते जाते लोगों को भी पता चलेगा और वो भी बड़ा कंफर्टेबल रह के बैठेगा। करेक्ट, नहीं, ये तो एकदम बीचों बीच हो गया, ये जगह ठीक नहीं है। करेक्ट, परफेक्ट, यस। हाँ,
ये रही हमारे वॉचमैन के पानी की बोतल, ये रस्सी और ये स्वेटर बुनने का सामान। और फिर यहाँ बैठकर वो कभी रस्सी बनाएगा, कभी स्वेटर बुनेगा। तुम मेरा मनुष्य आता है, मैं तुम्हारा मनुष्य आता है, इतना दूर से आता है, इधर मिल जाता है, तुम इधर कब से काम करता है, ये शेड्यूल कैसा है, तुम नौकरी छोड़ के जाता है क्या, मेरे को बुला है। तुम्हें पद्मा जी ने भेजा है। कैसा शेड्यूल के जैसा बात करता है, सीधा बात करो। अरे मैं इस घर की सेठ हूँ, मेरा मतलब मैं सेठानी हूँ। तुम इधर का सेठानी है और नहीं तो क्या? तुम मजाक करता है, मुझे हंसता है। यू फूल, अंग्रेजी बोलता है, मेरे को भी आता है अंग्रेजी, मुझे बोलेगा आई लव यू डार्लिंग। बदतमीज, तुम मुझे गोरखा समझते हो? पता नहीं पद्मा भी कैसे स्टूपिड लोगों को यहाँ भेजती है। चलो निकलो यहाँ से, नहीं तो धक्के मार के निकाल दूंगी मैं। मीरू धक्का देगा? हाँ मीरू को। हाँ दियो दियो सची का सब बन रहा है, तुम सची का सीटा नहीं इधर। सॉरी माफ करो, मुझे जाता है, मुझे चल भाग। इडियट, बदतमीज, फूल, गाय। इतना गुस्सा, लेकिन मैं तो अंदर थी, आप किससे झगड़ करा रही हैं? नए वॉचमैन से। आते ही झगड़ा शुरू कर दिया उससे। मैंने उसे निकाल भी दिया। नौकरी में रखते ही निकाल दिया? मैंने उसे नौकरी पर रखा ही नहीं। क्यों? ये मेरा चौथा सवाल है बहू, और इन सारे सवालों का एक ही जवाब है, बदतमीज। अब मैंने क्या बदतमीजी की? तूने नहीं रे, उस नए वॉचमैन ने जिसे पद्मा ने भेजा था। मुझे तो बड़ा ही मुंह चढ़ा लगा, सो निकाल दिया। तू मेरे लिए एक ग्लास पानी ला, और उससे पहले पद्मा को फोन करके कह दे कि नया वॉचमैन भेज दे, और उससे पहले बाहर का मेन दरवाजा बंद कर दे। सासू माँ ने जिस वॉचमैन को नौकरी से निकाल दिया, उसी वॉचमैन को नौकरी पर रखना तो मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। सलाम मैम साहब। तो तुम हो? हाँ मैम साहब। मैंने तुम्हें नौकरी पर रख लिया है। लेकिन एक बात ध्यान में रखना, सासू माँ को बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए, वरना वो दूसरा वॉचमैन रख लेगी। सासू माँ आपको बहुत डेंजर है। नहीं नहीं, डेंजरस नहीं है, बस थोड़ी मनचली है, घमंडी है, बात बात पर गुस्सा करती है, मर्डर भी कर सकती है। मर्डर कर सकता है? सलाम मैम साहब। सलाम, कौन हो तुम? मेरे को नहीं पहचाना ना? नहीं, वही नवा वॉचमैन ड्यूटी के ऊपर आया। नहीं नहीं, मैंने पद्मा को मेरी सहेली को बोला है, वो दूसरा वॉचमैन भेज रही है। वो वॉचमैन का नाम क्या है? वो वॉचमैन क्या नाम बता? खड़क सिंह। खड़क सिंह वो मैं है, मेरा नाम खड़क सिंह, बाप का नाम फड़क सिंह। अच्छा अच्छा, तो तुम हो? हाँ मैम साहब। अच्छा, वहाँ पे कुर्सी रखी है, वहाँ पर मेरे को मालूम, मेरे को मालूम। तुम्हें कैसे मालूम? मैं अभी अंदर आया ना, मुझे देखा रखा था। अच्छा अच्छा, तो तुम वहाँ बैठ के हमारे घर की अच्छी तरह से निगरानी करना, देखो बिल्कुल चोरी नहीं होनी चाहिए। चोरी बिल्कुल नहीं होगा। हाँ। को हम जिधर से आता है ना, जो हमारा मुल्क है ना नेपाल। हाँ। नेपाल के अंदर कभी चोरी नहीं होगा। क्यों? अरे उधर ना एक घर के अंदर पाँच पाँच गुर्खा होता है, तो चोरी कैसे होगा? अच्छा, तुम जाकर बैठो। अच्छा सलाम मैम साहब। सलाम सलाम। ये बड़ा मेम साहब का वॉचमैन, ये छोटा मेम साहब का वॉचमैन। सुन डोले मेरा मुन डोले, कुछ का गया करार, कौन बजाए बाजिया। सुन डोले हमारा मुल्क में बहुत ठंडी होता है, गरम गरम चाय पीने को बहुत मजा आता है। अच्छा अच्छा पियो। ये चाय कौन बनाया? मैंने बनाया। आपने बनाया? इतना अच्छा चाय बनाता है आप, बड़ा मुंशाब है ना। हाँ? इतना गंदा चाय बनाता है, क्या बोलूं, शुगर नहीं होता है, दूध नहीं होता है, चाय का पत्ती नहीं होता है, गरम गरम पानी मेरे शरीर में डाल के जाता है। इतना गंदा चाय तू अशोक साहब के उधर भी नहीं बनता, आपको मालूम है? अशोक साहब? हाँ। कौन अशोक साहब? वो नौ नंबर वाला पंजाबी, वो उसका बात मत करो, जाने दो उसको। ऐसा क्या किया तुम्हारे अशोक साहब ने? वो मर्डर। मर्डर किसका? मेरा मर्डर किया, वो जोर जोर से चिल्लाता, मुर्गिया रे बचाओ बचाओ। फिर मुझे देखा, मैं उठ नहीं सकता था। क्यों?
वो मेरे को बांध दिया कुर्सी के साथ, मेरा हाथ इधर से बांधा, मेरा पाँव इधर से बांधा, ऊपर से मेरा सर बांधा। क्यों क्यों बांधा? वो रोज रात को दारू पी के गुड्डू में आता था। हम तो दारू नहीं पीते, अरे पैसा नहीं है दारू किधर से पिएगा, तुम भीड़ बंद कर दिया। वो रात को आया जम मारा गेट के ऊपर से, अपना गाड़ी पार किया और हमको कुर्सी से बांध दिया। और तुम्हें पता भी नहीं चला? कैसे पता चलता, मैं तो सोता था। देखो खड़क सिंह, सासूमा कह गई है कल सुबह दूध वाला नहीं आएगा, तो कल सुबह तुम्हें ही दूध लेना है। शाम को आकर दूध के पैसे और थैली लेकर जाना। अच्छा, सोना माता। और चाहती हो कि क्या हुआ, उल्टी आ रही है? अरे लो सासूमा भी आ गई। अरे खड़क सिंह जरा यह सामान उठाकर अंदर रख दो। सलाम। हाय सासूमा। हाय बरानी। शी, ये क्या नौकरों के कप में चाय पी रही है तू? मैं नहीं पी रही हूँ, मैं तो खड़क सिंह को चाय दे रही थी। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। तो फिर उसे चाय के साथ नाश्ता भी खिलाओ ना। हाँ। चलो खड़क सिंह, सामान अंदर रख के नाश्ता करने आ जा। हम उधर नहीं आ सकता मैम साहब। क्यों? ओ दूरी पर है, गिड़गो पर गुन बैठेगा। हाँ करेक्ट करेक्ट। तो तुम एक काम करो, तुम अंदर आओ नाश्ता करने के लिए, मैं बहू को वहाँ बिठा देती हूँ। ना बहू तुम आ। अरे जा ना, नेक्स्ट टर्न आपकी है। खड़क सिंह, मैं तुम्हारे मूछों के बारे में सोच रही थी। मुझे लगता है तुम्हें मूछें उगानी चाहिए, तुम पर बहुत सूट करेगी। जी साहब, उग जाएगा तो उगा लेगा। कांसी रे कांसी, प्रीत मेरे शांसी, घर जाना जाना दिल तोड़ के। खड़क सिंह, तुम्हारी शादी हो गई? पीयूष साहब, शादी बना के 5 बरस और 6 बच्चा हो गए। 5 बरस में 6 बच्चा? पहला घरवाली के साथ 3 बच्चा, दूसरे घरवाली के साथ 3 बच्चा, ऐसा बराबर है ना? ओ हिसाब से मेरे को याद आया, मेरे को 100 रुपए दे, मेरे को गांव में ऑर्डर करने का है। खड़क सिंह, 700 रुपए में से 350 तुम ऑलरेडी ले चुके हो। बराबर, 350 बाकी है कि नहीं? अरे खड़क सिंह, तुम भी कमाल करते हो। ये देखो, शॉपिंग करके आई ना, पैसे खत्म हो गए। पैसे खलास हो गए? इसमें खलास हो गया, इसमें खलास हो गया। खड़क सिंह, एक काम करो आप। क्या? आप ऊपर जाओ, कबाड़ को खोलो। हाँ। पैसा निकालो, मेरे को दियो। अच्छा अच्छा, तुम खा लो। खाएंगा जरूर, खाएंगा जरूर, खाएंगा काय को नहीं खाएंगा, आप खिलाएंगे हम नहीं खाएंगे, ऐसे हो ही नहीं सकता। मत खाना। मैं जानती थी मैं सासू माँ तुम्हें बासी खाना देगी। जी देखो कितने बाल गिरे हैं इसमें। बासी खाना? मुर्गिया बताओ। ये खाना बासी खाना नहीं खाएगा, मैं होटल में जाकर खाएगा, मेरे को 100 रुपए दो। अरे ऑलरेडी आधी पगार दे चुकी हूँ मैं तुम्हें एडवांस के तौर पे। वो गांव भेजा, मेरा दो दो बीवी को भेजा, अभी 100 रुपए दे होटल से खाना खाने का। अच्छा अच्छा देती हूँ, लेकिन सुनो ये खाना मत खाना। नहीं खाएगा, इसको फेंक देगा, बाल बाल बच गया मुझे। रुको खड़क सिंह, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। बस। अरे तुम इतने शर्मा क्यों रहे हो? कितना शर्मीला है ना। कौन? हमारा नया वॉचमैन खड़क सिंह। अब देखो ना, यहाँ बैठकर आराम से नाश्ता करने के बजाय शर्म के मारे प्लेट उठाकर बाहर चला गया। बड़ा ही शरीफ है हमारा खड़क सिंह। हाँ, फिर पसंद किसने किया है? चलो जिंदगी में पहली बार हम दोनों की पसंद एक तो निकली। हाँ। रहता नहीं कितना साफ सुथरा और टॉप टिप। हाँ, आपने उसका स्वेटर देखा है सासुमा? अरे वो तो खुद उसने बुना है। नहीं नहीं, उसका बुना हुआ तो उसने अशोक साहब को दे दिया और अशोक साहब ने उसे ये दे दिया। जो भी हो, लेकिन सबसे उसकी अच्छी चीज मुझे कौन सी लगती है पता है? कौन सी? उसकी मूछे। मूछे? हाँ। सासुमा, खड़क सिंह की तो मूछे है ही नहीं। अरे है बाबा, कितनी अच्छी मूछे है उसकी। नहीं नहीं सासुमा, खड़क सिंह की मूछे है ही नहीं। है। लो अब इस उम्र में लोगों को कम नजर आता है, लेकिन आपको तो वो नजर आ रहा है जो है ही नहीं। अंधी तो तू हो गई है। अरे वो वॉचमैन ही कैसा जिसकी मूछे ना हो। सासुमा, खड़क सिंह को मूछे नहीं है बस। अरे मैं कहती हूँ ना बाबा, है मूछे। नहीं है। है। नहीं है। है। नहीं है। है। चलिए देखते हैं। चलो खड़क सिंह। देखा आप यहाँ सो रही हैं? हाँ, जब तक तेरे ससुर जी और रवि लौट कर नहीं आते
हम दोनों एक ही कमरे में सोएगी। सीधा सीधा कहिए ना, अकेले सोने में डर लगता है आपको। अब डर काहे का, चौकीदार जो बिठाया है। मैं तो ये सोच के आई थी कि तू अकेले कैसे सो पाएगी। सो रही थी ना मैं तो। सो जा चुपचाप, हल तुम्हें बहस मत कर मुझसे 11 बजे। सो जा। कौन आया है अभी? चौकीदार ने इतने रात आने कैसे दिया? चोर तो नहीं होगा? चोर बिल बजाकर थोड़ी आएगा। बुढ़ा मिम साहब, मुझे आपको जगाया तो नहीं? नहीं रे ले, मैं अंदर ताश खेल रही थी। ताश खेल रहा? कोई शेष है? मुझे खेलिया, मुझे खेलिया। शराब क्यों जगा है मुझे? क्या काम है? वो छोटा मिम साहब बोला आज सुबह दूध वाला नहीं आने वाला है। हाँ मुझे मालूम है। वो मेरे को बोला मेरे को ठंडी में लाइन लगा के दूध लाने का। हाँ तो जाकर लेकर आओ ना, मुझे क्यों जगाया? वो छोटा मिम साहब बोला आपसे पैसा थैली लेने को। वो क्या मुझे शाम को आने वाला था, मगर मेरे को क्या दो नंबर लगा, उतर गया सब भूल गया। दूसरी बार दो नंबर लगा सब आ रहा है, मुझे आ गया। अब थैली में पैसा क्यों बचा? देती हूँ। राधिका शम झुमे चंद्रमा, राधिका शम झुमे चंद्रमा। वो दूध का कितना पैसा लेता है? 24 रुपया। 24 रुपया? ये कितना है? अरे सुबह हिसाब कर लेंगे मेरे बाप। अभी जाओ मुझे सोने दो। हम बिल्कुल भी नहीं ना, मुझे जाके सो जाएगा। दो नंबर नहीं करेगा, दो नंबर नहीं करेगा। मिम साहब ये 24 रुपया 24 बार गिना, इसमें 2 रुपया कम दिया। अरे तो अपनी जेब से डालना था ना, मैं दे देती थी सुबह, उसके लिए तुमने मुझे जगाया। मेरे पास एक पैसा नहीं है। वो बाजू वाला वॉचमैन आया, मेरा सब पैसा में उसको ब्याज में चढ़ा दिया। देती हूँ, देती हूँ। सो गया आसमान, सो गए आसमान, सो गए सब लोग, महीने सोया। ये लो खड़क सिंह, आप ये पूरा 2 रुपया है। अभी तुम गिन लेना और अभी जाओ यहाँ से, जाओ। भड़कू मत, भड़कू मत। क्या है करण सिंह? मैं चाह आप मेरे को 35 पैसा जास्ती दिया। पायला घू सासू माँ। छिपी रहो। ये कौन सा नया तरीका अपना है नए साल का पायला घू का? आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? क्योंकि मैं रात भर सोई नहीं हूँ। क्यों? उस मुच्छड़ की वजह से। मुच्छड़? अरे वही तेरा डियर वॉचमैन खड़क सिंह। कल तक तो बड़ी तारीफ कर रही थी आप उसकी। हाँ लेकिन आज उसकी असलियत मेरे सामने आ गई है। इतना तंग तो मुझे तेरे मायके वालों ने भी नहीं कभी किया। उसका कसूर क्या है ये तो बताइए। क्यों क्यों रखा मैंने उसे नौकरी पर? आपने उसे नौकरी पर रखा? आपने तो उसे नौकरी से निकाल दिया, तभी मैंने उसे नौकरी पर रख लिया। तुमने किसे रखा नौकरी पर? खड़क सिंह को। लेकिन वो खड़क सिंह कौन है जिसे मैंने रखा था? वही तो है वो खड़क सिंह, लेकिन उसे आपने नौकरी से निकाल दिया और मैंने नौकरी पर रख लिया। लेकिन मैंने उसे तो निकाल दिया था ना, तभी तो मैंने उसे रख लिया ना। तब तो मैं अभी क्या अभी निकाल देती हूँ उसे। अरे खड़क सिंह वो दो है और तुम एक। मैं भी दो मिम साहब, एक बड़ा मिम साहब का खड़क सिंह, ये मेरा मुझसे निकाल, मुझसे निकाल, मुझसे निकाल, ये छोटा मिम साहब का खड़क सिंह।
उसका सिग्नल क्यों नहीं किया? उसका देख छोड़ता ही नहीं है। छोड़ दो हमारे खड़क सिंह को, नहीं तो मैं चाकू मार दूंगी। चाकू मारने के लिए बच्चों की तब ना।